रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हम? आज हम आपको शादियों वाला वीप वाइट कढ़ाई बनाना सिखाएंगे, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में 3 सर्विंग स्पून ऑयल लेंगे और इसे गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है और इसमें 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है, अब इसमें एक दरमियाने साइज का बारीक चॉप करके प्याज डाल देंगे उसका पेस्ट, और उसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। मैंने इसका पेस्ट बना लिया है प्याज का, तो देखिए प्याज हल्की सी फ्राई हो चुकी है। ये 1/2 किलो बीफ है, मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया था, ये शामिल कर देंगे। आप चाहें तो चिकन और मटन भी ले सकते हैं। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून खाने नमक, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 4 हरी मिर्चों को मैंने पीस लिया है, इसका पेस्ट बना लिया, ये शामिल कर देंगे। 125 ग्राम दही है, ये शामिल कर देंगे। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, अब इसको मिक्स करके इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जब तक कि मसाला और दही का पानी खुश नहीं हो जाता, इसकी भुनाई कर लेंगे। तो देखिए भुन चुका है, दही का पानी भी खुश्क हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। अब इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि गोश्त हमारा डूब जाए और अच्छे से गल जाए। अब इसे कवर करके तकरीबन 40 से 45 मिनट तक पकने देंगे, जब तक कि गोश्त गल नहीं जाता। तो देखिए 40 मिनट हो चुके हैं, हम इसे खोल कर देखेंगे, चेक कर लेंगे गोश्त गला है या नहीं। तो गोश्त हमारा अच्छे से टर्नर हो चुका है, अब इसका जो पानी है इसकी आंच तेज करके इसकी भुनाई कर लेंगे, पानी को ड्राई कर लेंगे। तो देखिए पानी ड्राई हो चुका है, भुन चुका है। अब इसमें ये टेट्रापैक क्रीम है, इसका 1/2 पैकेट डाल देंगे, ये 200 ml का है, 100 ml डाल देंगे। आप चाहे तो फ्रेश मिल्क भी ले सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसको। मिक्स कर लिया है क्रीम को हमने अच्छे से। अब इसमें 6 बड़ी हरी मिर्चें, मोटी हरी मिर्चें, ये डाल देंगे, और ये 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, इसे मैंने जूलियन कट कर लिया था, ये डाल देंगे। थोड़ी सी गार्निश के लिए रोक लेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे काट कर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसे 1 मिनट तक के लिए दम पर लगा देंगे, स्लो आंच पर। तो देखिए 1 मिनट हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब मैं इसे सर्व करके दिखाता हूँ, फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार शादियों वाला वाइट बीफ कढ़ाई बन करके तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त बना है, मैंने इसे जूलियन कट, अदरक और हरदनिये से गार्निश कर दिया है। तो ये देख सकते हैं इसका लुक, ये मोस्टली शादियों पर बनाया जाता है। आप इसे नान के साथ और तंदूरी रोटी जो होती है और ताफ्तान के साथ खा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त बनता ही है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी किया करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।